नमस्कार, मैं हूँ शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनफील न्यूज। कस्बा अलीपुर खेड़ा में सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण घंटों जाम लगा रहता है, तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदार द्वारा रोड की ईंटें उखाड़ने के कारण पानी रोड पर ही भरा रहता है, जिससे कि दलदल में आए दिन वाहन फंस जाते हैं और लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। कस्बा अलीपुर खेड़ा में जल भराव से आए दिन जाम लगने लगा है। यह ठेकेदार की मनमानी के चलते हो रहा है, क्योंकि संकिसा छाछा रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ठेकेदार द्वारा कस्बा में रोडों पर ईंटें उखाड़ने के कारण पानी रोड पर ही भरा रहता है, जिसके कारण रोड में दलदल हो गया है। आए दिन वाहन फंस जाते हैं और रोड पर जाम लग जाता है, क्योंकि इसी रोड पर टेम्पू अड्डा से लोक कल्याण आश्रम तक दुकानें टूटने के अलावा मलबा नालियों में भरा पड़ा है, जिसके कारण पानी सड़क पर भरा रहता है। वहीं ठेकेदार द्वारा सड़क पर बिछी ईंटें उखाड़ लेने के कारण यह हालात बने हुए हैं। कस्बा के निवासियों में काफी रोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। इसकी समस्या का निदान के लिए आपने अधिकारियों से बात नहीं की क्या? बात क्या की कि यहाँ जो है कोई नोटिस नहीं आया और निशान लगा गए थे, उसके आधार पे हम लोगों ने, दुकानदारों ने सब अपना अपना तोड़ के दुकान सही कर लिया, और उसके बाद जल भराव का बहुत अभाव है। दुकानदार जो है भूख की कंगार पे। और खेड़ा में जो जल भराव हो रहा है, पहले यहाँ पर सड़क पर ईंटें बिछी हुई थी क्या? हाँ, यहाँ ईंटें बिछी हुई थी, ठेकेदार ने अपनी मनमानी से ईंटें उखाड़ ली हैं। अब वहाँ जल भराव है, यहाँ कॉलेज है, बैंकें हैं, स्कूल है, इधर से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं उसमें, और बड़ा ही दिक्कत का सामना है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे नालियों का पानी कहाँ जा रहा है? नालियों का पानी तो सड़क पर चल रहा है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। इसी रोड पे जो है ना, स्कूल है, बैंक है, सभी चीज इधर नहीं। खेड़ा में ही दुकानें टूटी गई और कहीं टूटी? खेड़ा में अपनी सुरक्षा से टूट ली गई है, लेकिन आगे से जो है कोई नई निर्माण वैसे ही है, जो का त्यो है, न कोई तोड़ा तोड़ी हुई है, न कोई। जो ये रोड है, ये लिंक रोड है या बाईपास है? ये जीटी रोड का, ये लिंक रोड है, जीटी रोड से आया हुआ है। जीटी रोड पे कोई अगर हादसा हो जाता है तो वहाँ भोगांव बेवर के बीच, भोगांव बेवर के बीच में, तो इधर से ही वाहन जाते हैं बेवर खेड़ा होते हुए। तो इस रोड की बहुत जर्जर हालत है, और ठेकेदार की मनमानी से जो है ना, इस पे जल भराव है। अच्छा, रहे बच्चे जो है, ये लोग ठेले वेले और लगा लेते हैं, तो इससे साहब बहुत ही ज्यादा जो है आक्रमण है। इसके लिए कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, इसकी यहाँ के जो है जिलाधिकारी वगैरह इसको देखें और कायदे से इसे जो है लागू करें। ये ठेले वेले ये जो है, यही अतिक्रमण का जो है विषय बनेगी। आप खेड़ा मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष, और मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ये इतने धीमे गति से क्यों हो रहा है? इसका कारण तो अभी तक जो कि पता नहीं चल पाया है। बहरहाल जो कि मीडिया के द्वारा या अखबार के द्वारा कई बार अवगत कराया जा चुका है, और संबंधित ठेकेदार से या संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जो कि कार्य जो कि उस गति से नहीं हो रहा है जो जिस गति से होना चाहिए। ठेकेदार ने हमारे बाजार में गलती कर दी है कि उसने जो हमारे यहाँ जो नाली की या जो सड़क पर जो ईंट बिछी हुई थी वो पहले ही उखाड़ ली, और पानी जो नाली थी वो सारी अवरुद्ध हो गई, और पूरा बस्ती का पानी वो सड़क पर आके भर जाता है, जिससे कि आवागमन में पूरे मार्केट को बहुत ज़्यादा जो कि लोगों को दिक्कत भी है, दुकानदारों को भी दिक्कत है। बाहर से जो लोग आते हैं बेचारे, वो उनकी मोटरसाइकिल से या किसी बाहर से फंस जाती है, लोग गिर भी जाते हैं, कई तरीका की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जबकि ठेकेदार को कायदा में तो ये चाहिए कि जो मार्केट में काम पहले करवाएं, अब उस जैसे गिरकरी है या उधर अन्य साइड में जो काम हो रहा है उसको रुकवा के वो यहाँ काम करवा दें, जिससे कि जो पानी या जल भराव समस्या है वो खत्म हो जाए, और लोगों को जो कि एक जिस तरीके से जो सुविधा थी वो सुविधा उपलब्ध हो सकें। लेकिन ठेकेदार की पता नहीं कौन सी हरे धर्मता है जो कि वो इस काम को न करा के, और पता नहीं अपना कौन सी उसमें लगे हुए हैं। ये जो तोड़फोड़ हुई है, क्या ये इसका नोटिस आया था या दुकानदारों ने स्वेच्छा से तोड़ा या कहीं अन्य भी तोड़फोड़ हो रही है? वैसे हमारी समझ में तो बाजार में जो हमने मालूम किया है तो उसमें किसी दुकानदार ने ये नहीं बताया कि हमको नोटिस मिला है। दुकानदारों ने अपने खर्चे से अपनी स्वेच्छा से ही सारी तोड़फोड़ कर ली है। चूंकि ये तोड़फोड़ जो कि मेरे खेड़े में ही हुई है, बहरहाल इसके अलावा कहीं भी हमारे गांव में ही आलीपुर पट्टी में ही जो कि तोड़फोड़ न तो लोगों ने स्वयं की है और न ही किसी को नोटिस दिया गया, और न भी तोड़फोड़ हुई है। और भी जगह जो रोड के आलीपुर खेड़ा के अलावा भावी तोड़फोड़ नहीं हुई है। हमारे यहाँ के लोगों ने, जो आलीपुर खेड़ा के जो दुकानदार है, उन्होंने स्वेच्छा से भी तोड़फोड़ कर ली है।
अब आज तक इसका यही नहीं रीजन समझ आ रहा कि वो जो इन्होंने जो अपना एक जो क्या चाहिए जो टारगेट दिया है वो खेड़े वालों के लिए है कि और लोगों के लिए भी, ये बात नहीं समझ में आती है कि ये इस तरीके का दुर्व्यवहार और जो गलती का दुर्भाव जैसे कहते हैं वो यहाँ हो रही है। आलीपुर खेड़ा में विद्यालय का जो आवागमन है तो मेन रोड तो यही है, यहाँ से बच्चे स्कूल किस तरीके जा पाते हैं? पानी बहुत भरा हुआ है, हमने देखा है अभी, इतनी कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, बच्चे कैसे आ रहे जा रहे हैं? अब जितने विद्यालय है, जो प्रमुख विद्यालय है हमारे जो कस्बे के, जैसे डीएवी इंटर कॉलेज है, वो तो खेड़े में ही है, और जो और विद्यालय बच्चों के वो भी खेड़े में ही है। बड़ा बड़ी समस्या है, जो बच्चे आते हैं बेचारे वहाँ तो पैदल निकलना ही दुश्वार है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, लोगों को बड़ा दूर से घुमा के फिरा के लोग लाते हैं गांव में स्कूल तक छोड़ने के लिए, या किसी बांध से आए हैं, बच्चे भी तो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, बड़ा परेशानी हो रही है लोगों को। तो इसकी शिकायत की संबंधित अधिकारी से नहीं की गई अभी तक? शिकायत क्या, मीडिया के माध्यम से ही शिकायत की गई लोगों से, संबंधित अधिकारियों से, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।